गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। माई सेल्फ इज कुमकुम गोयल। मैं आपकी टीचर कुमकुम गोयल हूँ। पहचानते हैं ना आप मुझे? आई एम योर नर्सरी टीचर। टुडे आई विल टीच यू हिंदी। आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिखना सिखाऊंगी कॉपियों में। आप पेंसिल से लिखते हैं ना अक्षर, तो आज आप कौन से अक्षर सीखेंगे लिखना? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पहचानते हैं ना आप अक्षरों को? दिस इज छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या होता है? उल्लू। और क्या होता है छोटे ऊ से? उपवन मतलब गार्डन। छोटे ऊ से उल्लू और छोटे ऊ से उपवन मतलब गार्डन। अंडरस्टैंड? उल्लू क्या है? एक पक्षी है। और उपवन गार्डन। हम कौन से अक्षर यूज करते हैं इनके लिए? छोटा ऊ। और छोटा ऊ आप देख रहे हैं ना कैसे लिखा हुआ है इसमें? पहले हाफ कर्व है और फिर हाफ कर्व, मीन्स पहले आधा गोला और फिर आधा गोला। इस तरह से छोटा ऊ बनता है। अंडरस्टैंड? और ये कौन सा अक्षर है? बड़ा ऊ। कौन सा अक्षर है ये बच्चों? बड़ा ऊ। बड़े ऊ से ऊंट। ऊंट एक एनिमल है ना जो रेगिस्तान में चलता है रेत के ऊपर। बड़े ऊ से ऊंट। और क्या होता है बड़े ऊ से? ऊन। बड़े ऊ से ऊन। ऊन जिससे हम स्वेटर बनाते हैं सर्दियों में, और आपको मम्मा पहनाती हैं वो स्वेटर्स। किससे बनाती हैं वो? ऊन से। बड़े ऊ से ऊन। और बड़ा ऊ देखिए ये कैसे लिखा हुआ है? पहले आधा गोला, फिर आधा गोला और फिर उसकी छोटी सी पूंछ। इस तरह से हम बड़ा ऊ लिखना सिखाएंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब आप मेरे साथ बोर्ड पर देखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बोर्ड पर छोटा ऊ लिखना सीखेंगे। हम छोटा ऊ लिखने के लिए पहले बिंदियाँ लेते हैं। फर्स्ट बिंदी, सेकंड बिंदी, थर्ड बिंदी। तीन बिंदियाँ बनाएंगे पहले हम, और पहले पहली बिंदी पर हम अपनी पेंसिल रखकर दूसरी बिंदी तक एक आधा गोला बनाएंगे, और फिर उसी बिंदी पर अपनी पेंसिल रखकर नेक्स्ट बिंदी तक दूसरा आधा गोला। तो हमारा, और फिर ऊपर से छोटी लाइन, तो क्या बन जाएगा? छोटा ऊ। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी और तीसरी बिंदी। पहली बिंदी पर हम रखकर दूसरी बिंदी तक छोटा आधा गोला बनाएंगे, और फिर दूसरी बिंदी तक से नीचे वाली बिंदी तक रखकर दूसरा आधा गोला बनाएंगे, और फिर ऊपर से उसके लाइन बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहली बिंदी, दूसरी बिंदी और ये तीसरी बिंदी। पहली बिंदी से हम
अपना पेंसिल रख के दूसरी बिंदी तक लाएंगे और आधा गोला बन जाएगा। और फिर दूसरी बिंदी से हम तीसरी बिंदी तक लाकर दूसरा आधा गोला बनाएंगे और फिर ऊपर लाइन लगा देंगे। क्या बन जाएगा हमारा? छोटा ऊ। बनाइए मेरे साथ, पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी। पहली बिंदी पर हम अपना पेंसिल रखकर दूसरी बिंदी तक लाने के लिए आधा गोला बनाएंगे और फिर उसी बिंदी पर हम पेंसिल रखकर दूसरी बिंदी से नीचे वाली बिंदी तक दूसरा आधा गोला बनाएंगे और ऊपर लाइन लगा देंगे। क्या बन जाएगा हमारा? छोटा ऊ। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला, दूसरा आधा गोला और ऊपर लाइन। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला, दूसरा आधा गोला और ऊपर लाइन, छोटा ऊ। इसी तरह से आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। बिंदियाँ लीजिए और फिर आधा गोला, फिर आधा गोला। क्या बन जाएगा ये? छोटा ऊ। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला, दूसरा आधा गोला और ऊपर लाइन। ये क्या बन जाएगा? छोटा ऊ। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला, दूसरा आधा गोला और ऊपर लाइन। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला और दूसरा आधा गोला और ऊपर लाइन, छोटा ऊ। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला, दूसरा आधा गोला और ऊपर लाइन, छोटा ऊ। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला, दूसरा आधा गोला और उसके ऊपर लाइन। क्या बन गया ये? छोटा ऊ। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला, दूसरा आधा गोला और ऊपर लाइन, छोटा ऊ। आप लिखना सीख गए ना छोटा ऊ? ओके स्टूडेंट्स, अब हम बड़ा ऊ लिखना सीखेंगे कॉपी में। बड़े ऊ से ऊन और बड़े ऊ से ऊंट। बड़ा ऊ लिखने के लिए इस तरह से कॉपी में आपकी टू लाइंस बनी होती है ना, है ना? और वन मोर लाइन हम प्रैक्टिस के लिए बना लेंगे। कॉपी में आपके इस तरह की लाइंस होती है ना, इसके लिए आपको तीन बिंदियां लेनी है। वन बिंदी, दूसरी बिंदी और ये तीसरी बिंदी। हमको कैसे लिखना है? पहली बिंदी पर अपना पेंसिल रख के दूसरी बिंदी तक हमें आधा गोला बनाना है। पूरा नहीं बनाना आपको, आधा गोला। रखिए पेंसिल को यहाँ पर और दूसरी बिंदी तक आधा गोला और फिर पेंसिल को दोबारा नीचे वाली बिंदी तक लाके आधा गोला बनाएंगे और नीचे वाले आधे गोले को हम अपना थोड़ा
ऊपर तक ले जाते हैं। जब गोला लाते हैं तो इसे इस तरीके से थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके बाद लास्ट में हमें ऊपर की लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इसको बड़ा ऊ बनाने के लिए इसमें छोटी सी पूंछ निकाल देते हैं। ये बन गया बड़ा ऊ। देखिए आप दोबारा, पहली बिंदी बनाई, दूसरी बिंदी बनाई और तीसरी बिंदी बनाई। ये पहला आधा गोला बनाया और फिर इसी बिंदी पर रखकर हमने दूसरा आधा गोला बनाया और इसको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर ले गए। अब इसमें से हम छोटी सी पूंछ निकाल देते हैं इसकी। ये बन गया आपका बड़ा ऊ, है ना? पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला और दूसरा आधा गोला, फिर इसकी एक पूंछ और ऊपर की लाइन। ये बन गया बड़ा ऊ। ये देखिए, पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला, ये आधा गोला बन गया ना दूसरी बिंदी तक। फिर इसी बिंदी पर रखकर हम दोबारा से नीचे वाली बिंदी तक लाएंगे और दूसरा आधा गोला बनाएंगे। और जो ये बीच का पॉइंट होता है हमारा, यहाँ पर जॉइंट पर हम अपनी पेंसिल रखकर इसकी पूंछ बना देंगे। ये बन गया बड़ा ऊ। अभी हमने इसकी ऊपर की लाइन तो बनाई नहीं, ऊपर की लाइन बनाइए आप ऐसे। ये बन गया बड़ा ऊ। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी और ये तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला और ये दूसरा आधा गोला, और फिर इसकी पूंछ बनाएंगे और फिर ऊपर की लाइन। क्या बन गया ये? बड़ा ऊ। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला और दूसरा आधा गोला, और फिर इसकी पूंछ। ये क्या बन गया? और ऊपर की लाइन बनाई, क्या बन गया ये? बड़ा ऊ, बड़े ऊ से ऊन। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला, दूसरा आधा गोला और फिर इसकी पूंछ और फिर इसके ऊपर की लाइन। क्या बन गया ये? बड़ा ऊ। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला, दूसरा आधा गोला और फिर पूंछ और फिर ऊपर की लाइन। ये बन गया बड़ा ऊ। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा गोला, दूसरा आधा गोला और सेंटर मतलब बीच में से हम उसकी पूंछ बनाएंगे और अपर लाइन। ये बन गया बड़ा ऊ। आपको आ गया ना लिखना? एक और लिखिए, पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी। अब पेंसिल से पहले ऊपर की बिंदी से नीचे की बिंदी तक हम आधा गोला बनाएंगे, फिर नीचे की बिंदी से नीचे वाली बिंदी तक दूसरा आधा गोला और फिर बीच में से पूंछ बनाएंगे और फिर ऊपर की लाइन।
ये बन गया हमारा बड़ा ऊ। इस तरह से आप बड़ा ऊ अपनी कॉपी में इसी प्रकार लिखने का अभ्यास करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपने अपनी कॉपी में बड़ा ऊ और छोटा ऊ लिख लिया ना, लिखने का अभ्यास किया। अब बताइए मुझे आपने कैसे लिखा था। आपने पहले ये कॉपी में आपके लाइंस बनी हुई होंगी ना, टू लाइंस की कॉपीज हैं आपकी, टू लाइंस की कॉपीज में बताइए सबसे पहले मुझे आपने क्या बनाया। आपको सबसे पहले बिंदियां बनानी हैं, तीन, थ्री डॉट्स, और वो सी एक लाइन में होनी चाहिए, एक बिंदी के नीचे थोड़ी जगह छोड़कर दूसरी बिंदी, और उसी बिंदी के ठीक नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर दूसरी बिंदी। तो इस तरह से आपकी एक लाइन में तीन बिंदियां हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, पहली बिंदी से मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ, उससे आपको और जल्दी सीखोगे। ये हमने तीन डॉट्स बनाई, अब पहली डॉट से दूसरी डॉट तक, पहली बिंदी से दूसरी बिंदी तक हम आधा गोला बनाएंगे, ऐसे आधा गोला बन गया। अब हम ये हमने आधा गोला बना लिया था, अब हम दूसरी बिंदी से तीसरी बिंदी तक दूसरा आधा गोला बनाएंगे, ऐसे, और इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, और अब ये ऊपर की लाइन बना दी हमने ऐसे, ये क्या बन गया, छोटा ऊ। और बड़ा ऊ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तीन बिंदियां बनाई और फिर पहली बिंदी से दूसरी बिंदी तक आने के लिए आधा गोला बनाएंगे, और फिर दूसरी बिंदी से तीसरी बिंदी तक आने के लिए हम दूसरा आधा गोला बनाएंगे, और ऊपर उसकी लाइन बनाएंगे, और छोटा ऊ है अभी तो ये हमारा, हमें इसे बड़ा ऊ बनाना है। तो हम बीच में से ऐसे नीचे की इस तरफ पूंछ बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बड़ा ऊ। बनाइए पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहली बिंदी से आधा कर्व और फिर दूसरी बिंदी से तीसरी बिंदी तक आधा कर्व और ऊपर उसके लाइन, तो ये क्या है, छोटा ऊ। अब छोटे ऊ के बाद हम क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। पहली बिंदी, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, पहला आधा कर्व, हाफ आधा गोला, और फिर दूसरी बिंदी से तीसरी बिंदी तक एक और आधा गोला, और फिर उसकी पूंछ बना देंगे, और फिर ऊपर की लाइन, ये है हमारा बड़ा ऊ। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझिए ये क्या है, जिसमें पूंछ नहीं होती, छोटा ऊ, और जिसमें पूंछ बनाते हैं हम वो क्या होता है, बड़ा ऊ। इसमें पूंछ नहीं है तो ये है छोटा ऊ, और इसमें पूंछ है तो ये क्या है, बड़ा ऊ।
छोटा ऊ और बड़े ऊ में हमें आधे आधे गोले बनाने होते हैं। पहले आधा गोला, फिर दूसरा आधा गोला और ऊपर उसकी लाइन। और बड़ा ऊ बनाने के लिए हमें उसमें से पूंछ बनानी होती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपने इन चित्रों में भी देखा ना, ये छोटा ऊ, छोटे ऊ से उल्लू। और ये कैसे बना हुआ है छोटा ऊ? पहले आधा गोला है और फिर दूसरा आधा गोला ऊपर तक गया है, ये छोटा ऊ, छोटा ऊ से उल्लू। और क्या होता है छोटे ऊ से? उपवन। उपवन मतलब गार्डन, बगीचा। छोटे ऊ से उपवन। और ये क्या है? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ कैसे बना है इसमें देखिए, पहले आधा गोला बना हुआ है और फिर एक और आधा गोला है और फिर उसमें पूंछ है और फिर उसके ऊपर लाइन बनी हुई है। बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन। और ये क्या है? बड़े उसे ऊंट, बड़े उसे ऊंट। ऊंट मतलब एनिमल। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आपने अभी कॉपी में पेंसिल से छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिखना सीखा था ना। अब मैं आपको बड़े ऊ और छोटे ऊ के कुछ चित्रों से परिचय करवाती हूँ। कॉपी में तो आपने लिखना सीख लिया है, लेकिन उनकी जानकारी भी होनी चाहिए ना आपको। तो आप ये चित्र देखिए, ये छोटा ऊ है। छोटा ऊ, छोटे ऊ से उपवन, छोटे ऊ से उपवन। उपवन मीन्स गार्डन। छोटे ऊ से क्या होता है? उपवन, गार्डन। और छोटे ऊ से उल्लू। उल्लू मतलब बर्ड, पक्षी। ये एक थोड़ा बड़ा सा पक्षी होता है और ये हमें देखने में थोड़ा डरा डराता है, इसे देखकर थोड़ा हमें डर भी लगता है। और उसे उपवन, उपवन में मतलब गार्डन, बगीचा, जहाँ पर ग्रास होती है, ट्रीज लगे होते हैं और झूले भी होते हैं, फव्वारा भी होता है। आप उपवन गार्डन में घूमने भी जाते हैं, सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर आप जाते हैं और शाम के टाइम भी आप खेलने जाते हैं गार्डन में। ये वही गार्डन है। और उसे उपहार, उपहार मीन्स गिफ्ट। आपको बर्थडे पर सब लोग गिफ्ट देते हैं ना, और जब आप फर्स्ट आते हो क्लास में, अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, तब भी मम्मी पापा आपको गिफ्ट देते हैं। आप अपना लेसन लर्न कर लेते हो या अच्छा काम करते हो, मम्मी पापा के अच्छा लगता है कोई आपका काम, तो खुश होकर वो आपको गिफ्ट देते हैं ना। गिफ्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपहार। उपहार मीन्स गिफ्ट। जब हम किसी चीज़ को रैप कर देते हैं अच्छे से पैकिंग में और पैक करके फिर हम उसे किसी को देते हैं, तो वो पैकिंग हमारी उपहार कहलाती है। अच्छे से पैक करके जब हम चीज़ किसी को देते हैं तो वो हमारा उपहार कहलाता है। हम किसी को देते हैं गिफ्ट तो उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? उपहार। और ये आप पहचान रहे हैं ये कौन सी जगह है? बड़ा सा टेंपल है और उसमें पिलर्स भी हैं, खंबे भी हैं, पेड़ भी लगा है। ये जगह है उज्जैन की। उज्जैन एक शहर है, सिटी है, एक शहर का नाम है उज्जैन। उज्जैन शहर का नाम हम ऊ अक्षर से लिखते हैं। ऊ अक्षर से उज्जैन शहर का नाम स्टार्ट होता है। उज्जैन जहाँ पर
शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है और ये बहुत प्रसिद्ध है सब जगह। बहुत से लोग यहाँ घूमने और दर्शन करने जाते हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा उज्जैन शहर के बारे में, आपको ज़रूर बताएंगे वो। और आप ये चित्र में से भी देखकर समझिए, हम जो बता रहे हैं उसे भी आप अच्छे से सुनिए और समझिए। छोटे ऊ से उज्जैन, उज्जैन एक शहर का नाम है। आप ये छोटे ऊ के चित्र अच्छे से समझ गए, एक बार और देखिए। छोटे ऊ से उपवन, उपवन मतलब गार्डन। छोटे ऊ से उल्लू, उल्लू मतलब एक बड़ा सा पक्षी। छोटे ऊ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। छोटे ऊ से उज्जैन, उज्जैन मतलब शहर। अंडरस्टैंड? अब ये कौन सा लेटर है? ये है बड़ा ऊ। बड़े ऊ से ऊंट, बड़े ऊ से ऊंट। और क्या होता है बड़े ऊ से? ऊन। बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊंट। ऊंट क्या है? एनिमल। एनिमल एक ऐसा एनिमल है जो रेत के ऊपर भी तेज चलता है। और इस एनिमल के ऊपर एक डंप बना होता है, उसमें ये अपना खाना और पानी स्टोर करके रख लेता है। और रेगिस्तान में बहुत दिनों तक ये बिना खाना और बिना पानी के रह सकता है। ऊ से ऊंट, इसका एनिमल का क्या नाम है? ऊंट। ऊ से ऊंट, ऊ से ऊंट। और ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। ऊन मतलब स्वेटर जिससे बनाते हैं हम, ऊ से ऊन। और ऊ से ऊर्जा, ऊर्जा मतलब हीट जो हमें सूर्य से मिलती है। सन, सूर्य मीन्स सन, जिससे हमें हीट गर्मी मिलती है। ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? गर्मी भी कहते हैं। और जिस गर्मी से हमारी सोलर चीज़ें चलती हैं, सोलर मतलब धूप से चलने वाले यंत्र, उन्हें हम सोलर भी कहते हैं। और ये ऊर्जा कौन से अक्षर से शुरू होती है? बड़े ऊ से, बड़े ऊ से ऊर्जा। और क्या होता है बड़े ऊ से? ऊबड़ खाबड़। बड़े ऊ से ऊबड़ खाबड़ रास्ता, जो टेढ़ा मेढ़ा गड्ढे वाला रास्ता होता है ना, उसे हम बोलते हैं बड़ा ऊ। बड़े ऊ से ऊबड़ खाबड़ रास्ता। आप ये चित्रों को देख के छोटा ऊ और बड़ा ऊ अच्छे से समझ गए ना। अब हम आपको ये कहेंगे कि आप कॉपी में छोटा ऊ और बड़ा ऊ जैसे हमने सिखाया है, आप उसी प्रकार अपनी कॉपी में लिखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।